हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन हियर ऑन माय चैनल जानकारी हित फॉर योर जानकारी हित। यस, आपकी ही भलाई के लिए आज फिर यहां पर हम सब मिलकर जो अकाउंटेंसी का रास्ता है उसको आसान बनाते हैं। कुछ नई एंट्रीज बट इस बार कुछ टेक्निकल ज्यादा हैं, ध्यान से सीखनी होगी अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कौन कौन सी एंट्रीज हैं वो मैंने बताया आपको, बता रहा हूं। यस, जस्ट सुनो भाई ध्यान से, अभी जाना नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्या क्या है जिसको हम करने वाले हैं, वो है बैड डेट्स रिकवर्ड, देन एब्नॉर्मल लॉस ड्यू टू थेफ्ट फायर एक्सीडेंट एंड मेनी अदर कॉजेस एज वेल। देन द लास्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो इज अबाउट यस एम्बेजलमेंट विद कैश और गुड्स, जो फ्रॉड होते हैं उसके बारे में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। आज के इस रास्ते को आसान बनाने के लिए लेट्स मूव अहेड विद मी। As I have already told you to about today's topic regarding bad debts recovered, abnormal loss and embezzlement of cash and goods, आओ इनको सीखते हैं और रास्ते को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, that is the format of journal. Journal का performer क्या है, इसकी columns कौन सी हैं, कैसे भरते हैं, ये सबको पता है जब हम इस level पर पहुँचे हैं। अगर इस लेवल पर अगर किसी का कोई कंसर्न है इस रिगार्डिंग, तो मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया, ये देखो यू कैन सी ए 9 वीडियो फॉर फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंड हाउ टू यूज। मेरे इस चैनल पे 9 वीडियो है जानकारी हित पर, आप उसको देखिए और डिटेल में जानिए, पहले वो जानना बहुत जरूरी है अगर किसी को जर्नल के परफॉर्मेंस का रिगार्डिंग, उसमें एंट्री कैसे लिखते हैं इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है। तो आगे है इसके रूल्स क्या है। यस, विच मेथड, हमें पता है दो मेथड है, एक तो डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अंडर ट्रेडिशनल मेथड है, तीन उसमें अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और जो इक्वेशन बेस्ड मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम अकाउंट को 5 हिस्सों में बांटते हैं, दीज आर द एसेट्स एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज इक्विटी और कैपिटल इनकम और रेवेन्यू। इसको डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं, ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है। यू कैन सी द वीडियो फ्रॉम ए 5A, 7 and 8, 9 रिगार्डिंग दीज रूल्स ऑन दिस चैनल जानकारी, वहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि ये रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। बट अब तक मैं श्योर हूँ भाई आप सब इंटेलिजेंट हो, अब तक समझ चुके होंगे। अब हम जो ये टेक्निकल एंट्रीज हैं इनके बारे में बात करते हैं। विच वन लिटिल बिट कंसर्न, ऑलवेज हैव कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दीज एंट्रीज, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, अब उन प्रॉब्लम को आसान बनाते हैं। यस, इन टुडेज टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इज बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, व्हेन अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी कस्टमर और डेटर्स बिकम इररिकवरेबल फुली और पार्शली इज नॉन एज बैड डेट्स और वी कैन से रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। इट इज अ लॉस टू द बिजनेस दैट कैन, व्हाई दिस लॉस कैन बी हैपन इन अ बिजनेस, यस दैट कैन बी हैपन ड्यू टू द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड डिसऑनेस्टी। भाई समझ लगा, मैं बताता हूँ। कोई भी कस्टमर या हमारा डेटर है जिससे हमने पैसे लेने हैं, अगर उससे हमारा अमाउंट इररिकवरेबल बन जाए कि अब मिलेगा ही नहीं, सारा नहीं मिलेगा या उसका एक पार्ट नहीं मिलेगा, जो ना मिलने वाली वो राशि है, वो अमाउंट है, उसको हम बैड डेट्स राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब लिख देते हैं वो अब हमारा डेटर नहीं रहा उतने अमाउंट के साथ जो उससे हमें नहीं मिलना है, अब हम इसके बारे में श्योर हो चुके हैं। क्योंकि उसको कब तक डेटर दिखाते रहेंगे हम, आखिर बिजनेस को उस डेटर का एक क्लोजिंग स्टेज भी लेकर आनी पड़नी है जब बिजनेस को श्योर हो चुका है कि वो पैसे नहीं आएंगे। बिजनेस के लिए ये लॉस है, दैट इज अ लॉस टू द बिजनेस। कारण क्या होता है, या तो उसकी डेथ होगी या बेईमान हो गया। एक मैंने बात किया, इसको ध्यान दो, इंसॉल्वेंसी, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, हिंदी पंजाबी में भी इसको दिवालिया कहते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, पुराने टाइम में क्या होता था, इंसॉल्वेंसी को दिवालिया को कहाँ जाने लगा, मुझे भी कभी किसी ने बताया था, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई, फैक्ट जानते रहना आप। बात क्या थी कि जब कोई व्यक्ति जिसकी लाइबिलिटीज, देनदारियाँ, उसकी एसेट्स, उसकी संपत्तियों से ज़्यादा हो जाती थी, उसको लग रहा था कि मैं नहीं दे सकता किसी को, वो एक सामाजिक तौर पर खुद को दिवालिया अनाउंस करता था। दिवाली के दिन लोग दिए जलाते, वो अपने घर में अंधेरा रखता, बाहर दिया जला के एक दरी बिछा के बैठ जाता था, ऐसा मैंने सुना और पढ़ा।
तो उसको लोग मानने लग जाते थे कि अब इससे पैसे नहीं आएंगे भी, इसको दिवालिया करार दिया जाता है। बट अब तो कानून का नियम है। इंसॉल्वेंट क्या होता है मैं ब्रीफ में बताता हूं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अकाउंटेंसी को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी मतलब जब किसी भी बिजनेसमैन को, टर्म्स तो वही है, जब उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाए, एसेट्स उसकी कम है, उसको पता है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को नहीं दे सकता, तो वो कोर्ट की शरण में जाता है, अदालत में जाता है कि मुझको इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाए। आई डोंट हैव सच वैल्यू विच आई कैन पे, विच आई हैव सच सफिशियंट वैल्यू ऑफ अमाउंट विच आई कैन पे, थ्रू विच वी आई कैन पे माई लाइबिलिटीज, मैं अब अपने कर्ज नहीं दे सकता। तो कोर्ट अपना एक नॉमिनेटेड पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति वहाँ आता है, उसकी प्रॉपर्टीज की एवेल्यूशन करता है, और जब उसको लगता है ये सही है तो उसको इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाता है कानूनन रूप से। फिर होता क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वो सेल आउट कर सेल कर देता है, मार्केट में बेचा जाता है उसको ओपन, उसकी ऑक्शन नीलामी करके जितना पैसा आता है वो देने वालों को देखा देखा जाता है। मान लो 50 लाख आया, 1 करोड़ देना था, इसका मतलब आधे आधे पैसे मिलेंगे भी, तो जितने भी देनदार हैं उनको आधे आधे पैसे देते हैं। किसका 2 लाख देना है तो उसको 1 लाख दे देते हैं, 50 हज़ार देना है तो 25 हज़ार दे देते हैं। ये है इंसॉल्वेंसी की कंडीशन, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आओ देखते हैं इसकी एग्जांपल, जब बैड डेट्स होते हैं। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर पी हुज अ डेटर विद ₹5,000 बिकम इंसॉल्वेंट। यस, मिस्टर पी जो बिजनेस का डेटर था, वो 5,000 हमारे देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया अभी, एंड नथिंग रिकवर्ड फ्रॉम हिम, और उससे कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब बिजनेस का सारा पैसा हमारा डूब गया। बैड डेट्स के बारे में एक बार ध्यान रखें, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बैड डेट्स इज अ लॉस, इट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, सो इट ऑलवेज गेट्स डेबिट। क्लियर? तो इस एंट्री में भी ऐसा हुआ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो गया बिजनेस का। मिस्टर पी जिसने हमें पैसे देने थे, वो हमारा डेटर था, वो हमें दे तो नहीं रहा, लेकिन अब उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। डेटर मीन्स डेबिट, अब उसको उतने अमाउंट के साथ क्रेडिट कर देंगे। जब डेबिट और क्रेडिट उस अकाउंट का, जो पर्सनल अकाउंट है पी का, बराबर हो गया, दिस मीन्स नथिंग टू बी रिकवरेबल। अब उसके नाम से हमारी बुक्स में ये शो नहीं होगा कि वो हमारा कुछ अमाउंट के साथ डेटर है, उसका हिसाब किताब खत्म। दैट इज वाई वी हैव क्रेडिटेड मिस्टर पीज अकाउंट। या हम वही हंसी में, मैं एक बात बताता हूँ, बैड डेट्स देने वाला कौन है? मिस्टर पी। ऐसे भी हम मन में रख सकते हैं कि मिस्टर पी पर्सनल अकाउंट है, उसने हमें बैड डेट्स दिए, हमें लॉस दिया, लॉस दिया, तो हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये लॉस देने वाला है, इस गिवर को क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? यस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। व्हेन पार्शियल अमाउंट रिसीव्ड, ऐसा भी केस होता है जब सारे पैसे, जैसे मिस्टर पी ने तो सारे पैसे हमारे नहीं दिए, टोटल हमारे बैड डेट्स हो गए। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब कुछ पैसे मिल रहे हो और कुछ बैड डेट्स, फ्रॉम ममता हु ओड ₹20,000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 20 पैसा इन आर रूपी रिसीव्ड। ममता है, उससे हमने 20,000 लेने हैं और उसके 1 रुपये में से 20 पैसे मिल रहे हैं। समझ आया? मान लो 1 रुपया लेना है तो 20 पैसे मिलेंगे, 100 रुपया लेना है तो 20 रुपये मिलेंगे। तो वो कैलकुलेशन देखते हैं। पहले हमने ममता से जो टोटल अमाउंट हमारे बिजनेस को मिलना था, टोटल अमाउंट ड्यू, वो 20,000 था। हमें कैश कितना मिला? 20 पैसा इन आर रूपी। तो हमें पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं, तो कैलकुलेशन की वही परसेंटेज वे से 20,000 × 20/100 कितना हो गया? 4,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो रहे हैं। तो बैड डेट्स कितने हो गए? 20,000 में से हमने 4,000 जो हमें रिसीव हो रहा है एज ए कैश, उसको माइनस किया, 16,000 इज द बैड डेट्स, दैट इज अ लॉस। समझ आया? ये है पार्शियल जब मिलता है। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस, हाउ दीज अमाउंट्स आर कमिंग, कैसे आ रही हैं ये जो हम अमाउंट डाल रहे हैं वो हमें समझ आ सके। इसलिए जैसे 10th लेवल तक वो रफ वर्क बनाते थे, लाइन मारो, रफ वर्क करो, अब यहाँ वर्किंग नोट कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट इज सेम। अब जर्नल एंट्री देखते हैं। अभी बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश, बैड डेट्स और ममता का पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश को हमने डेबिट कर दिया। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है तो उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, हमें पता है लॉसेस डेबिट होते हैं। ममता पर्सनल अकाउंट है,
शी इज़ द गिवर, वो पैसे देने वाली है, बैड डेट्स देने वाली है, हमें नुकसान देने वाली है, तो ममता के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, बिकॉज इन पर्सनल अकाउंट वी ऑलवेज डू क्रेडिट द गिवर, तो ममता के अकाउंट को हमने 20,000 के साथ क्रेडिट किया। 16 + 4 कितना बन गया जी, 20,000। नरेशन आपको पता है मुझे लगता है अब तक, तो बीइंग 20 पैसा रिकवर्ड फ्रॉम ममता ड्यू टू हर इंसॉल्वेंसी, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हमें 20 पैसा मिले, किस में से, आउट ऑफ हर रुपीज, 1 रुपए में से। एंट्री क्लियर? यस। बैड डेट्स की एक एग्जांपल और देखें ताकि रास्ता और आसान बन सके, हमें परमानेंट मेमोरी में जा सके बातें। फ्रॉम सूरज हु डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ओनली 70% रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, टोटल ड्यू वाज ₹7,000। सूरज से हमने ₹7,000 लेने थे, टोटल अमाउंट ड्यू वाज 7,000 एंड वी रिसीव्ड ओनली 70% बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो सेम पहले कैलकुलेशन करेंगे, टोटल अमाउंट ड्यू 7,000 था, रिसीव हुआ 70%, 7,000 का 70% दैट इज 4,900, और बैड डेट्स कितने हुए, जब इतना कैश मिल गया 7,000 माइनस 4,900, दिस वन इज अ लॉस 2,100, और वी कैन से 2,100 इज अ लॉस ऑफ बिजनेस। यस, एंट्री इज सेम, बिजनेस में 3 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन, एक तो कैश अकाउंट, सेकेंड बैड डेट्स अकाउंट, थर्ड वन पर्सनल अकाउंट, सूरज अकाउंट। कैश बिजनेस में इनकमिंग है, आ रहा है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट किया। बैड डेट्स लॉस है तो उसको हमने फिर डेबिट किया। सूरज पर्सनल अकाउंट है, ही इज द गिवर, वो पैसे देने वाला है, लॉस देने वाला है, तो सूरज के अकाउंट को हमने क्या किया भाई, क्रेडिट किया। बीइंग 70% रिसीव्ड फ्रॉम सूरज ऑफ टोटल ड्यू ₹7,000 ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, उसकी ये नरेशन लिख दी, वही ऑलमोस्ट सेम जो हमें ट्रांजेक्शंस थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नरेशन ऐसे लिखनी पड़ती है। क्लियर? ये थी सारा बैड डेट्स का। आओ अब आगे बढ़े, आगे है बैड डेट्स रिकवर्ड। ये भी तो होता है, अगर हम किस्मत वाले हैं तो कई बार क्या होता है भाई, चांस पे होता है। चांस क्या है कि मान लो किसी ने से बैड डेट्स हो गए थे, हमने उसे पैसे लेने थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद या तो उसकी प्रॉपर्टी मिल गई या वो ईमानदार बन गया, उसको लगा मैं थोड़े पैसे और दे दूं, हमारे पास पैसे आ गए, अब हम तो उसके अकाउंट को क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, क्योंकि उसको बैड डेट कर दिया, बट कुछ पैसे मिल गए, तब क्या करते हैं, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पी, वही पी जो मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया, ₹5,000 पी से मिल गए अगेंस्ट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, पहले हम उसको बैड डेट्स अनाउंस कर चुके हैं, जब जिसको हमने लॉस दिखा दिया, अगर वो पैसा मिलता है, वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देन इट इज अ इनकम और गेन टू द बिजनेस, बिजनेस को भी इनकम होगी, ये तो पैसा मरा हुआ था आ गया। अब तो ट्रांजेक्शन क्या हुई, बिजनेस में कैश आ रहा है, एक अकाउंट तो ये इफेक्टेड हुआ, ये तो सबको क्लियर होगा, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को हमने क्या कर दिया डेबिट, क्योंकि वो मरे हुए पैसे जो लॉस हुआ था वी आर रिसीविंग बैक, वो हमें वापस मिल रहे हैं। तो अब हम पर्सनल अकाउंट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट हम उसका क्लोज कर चुके हैं पी का, जब उसको बैड डेट्स अनाउंस किया, उसके अकाउंट को हमने अपनी बुक्स में एज ए बैड डेट शो कर दिया जो उससे हमने पैसे लेने थे, तो इसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, दैट इज अ इनकम और गेन फॉर द बिजनेस। तो यहां पे हमें पता है नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम और गेन्स अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट, सो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड हेयर विद 5,000, बीइंग बैड डेट्स ₹5,000 रिकवर, क्योंकि हमारे जो बैड डेट्स थे वो रिकवर हो गए हैं, वापिस मिल गए हैं, समझ आया ये। एक और देखते हैं, ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम ममता अगेंस्ट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स 16,000, समझ आया। यहां पे मैंने फिर कहा ये बैड डेट्स डिक्लेयर्ड रिकवर्ड क्या होता है, एक बार इसको फिर से देख लो, मन में कोई क्वेश्चन ना रह जाए। इट मे बी द केस दैट आफ्टर सम टाइम एनी पेमेंट रिसीव्ड आउट ऑफ द अमाउंट विच हैज अर्लियर डिक्लेयर्ड एज बैड डेट्स, ये भी हो सकता है जो पैसे पहले मरे थे वो हमें मिल जाए, जो पहले बैड डेट्स हो चुके थे उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर के कारण, सच अमाउंट रिप्रेजेंट एज इनकम, क्यों इनकम है ये मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल देखते हैं अभी फटाफट, देखते हैं ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम ममता अगेंस्ट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स ₹16,000, उसको 16,000 हमारे बैड डेट्स हो गए थे ममता से जो हमने लेने थे, वो मान लो बैड डेट्स हो गए थे, अब उसमें से 2,000 मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं वही हमारे फायदे के, तो एंट्री क्या होगी, दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इन रिलेटेड विद रियल अकाउंट, क्लियर।
कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स रिकवर्ड इज द इनकम रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारी इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्या कर दिया हमने? क्रेडिट 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर? आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर दिस वन। आगे बढ़े, अब ध्यान से सोचो, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो प्लस वन के लेवल पे बच्चों को टफ लगता है वो है एबनॉर्मल लॉस। लॉस नॉर्मल लॉस अलग है, एबनॉर्मल असाधारण स्थितियां हैं। अब चोरी हो गया, कोई भी कारण ऐसा बना, ये मैंने यहां पे पंजाबी में शो किया है, हिंदी में भी तो वही हुआ, असाधारण नुकसान। क्या है एबनॉर्मल लॉस? लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट एटसेट्रा। किसी भी कारण नुकसान हो गया एबनॉर्मल गुड्स का, एक्सीडेंट हुआ कोई, फायर आग लगी, चोरी हो गई, फ्लड आ गए, किसी भी कारण नुकसान हो गया। आपको एक बात बताता हूं, जब भी बिजनेस में कोई नुकसान हो उससे बचने के लिए, अपने रिस्क को कवर करने के लिए, बिजनेसमैन ऑलवेज गॉट इंश्योर्ड हिज बिजनेस और गुड्स वट एवर इट मे बी, उनको वो बीमा करवाता है, उसका इंश्योरेंस करवाता है। अब नॉर्मल लॉस हो जाए तो उस केस में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, इफ नो इंश्योरेंस क्लेम। मान लो हम ऐसे बिजनेसमैन है जिसने कोई इंश्योरेंस क्लेम लिए ही नहीं था, या इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया इसका क्लेम हम नहीं देंगे, तब एंट्रीज क्या होंगी? जिस कारण भी नुकसान हो, वो नुकसान है तो डेबिट होगा, हमें पता है नॉमिनल अकाउंट में, लॉस वाय फायर, लॉस वाय थेफ्ट, लॉस वाय एक्सीडेंट, लॉस वाय फ्लड, जो भी रीजन हो वो साथ में लिख देते हैं लॉस बाय के साथ। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये ध्यान रखना, परचेज मीन्स गुड्स, गुड्स का नुकसान हो रहा है तो गुड्स सेल तो हो नहीं रही, जब गुड्स को परचेज किया था परचेज अकाउंट डेबिट, उस वो परचेज कम होगी तो परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट, बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट, बिजनेस से जा रही हैं, अभी ये चली गई हैं बिजनेस से तो जा रही हैं, तो परचेज अकाउंट हमें पता है ये क्या है, रियल अकाउंट है एक तरह का, यस रियल अकाउंट ही है, तो रियल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो उसको क्या कर दो क्रेडिट, जब आई थी तो परचेज डेबिट किया था, परचेज ही जा रही है, वो गुड्स जा रही हैं तो परचेज को क्रेडिट। अब मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ये भी बता दिया कि जिस टाइप का लॉस है उसको लिख देना है साथ में, लॉस वाई फायर है, थेफ्ट है, एक्सीडेंट है, लॉस वाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट डाला है मैंने, ये बात आपको जब फाइनल अकाउंट करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगी। कुछ इंतजार के जब फाइनल अकाउंट करते हैं वहाँ हम बताते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से ये जो लॉस वाई फायर है परचेज लेस हो रही है तो परचेज में से माइनस कर देते हैं, बट स्टिल अब क्या करेंगे हम, अब हम याद रखेंगे परचेज अकाउंट को हम क्या करना है, क्रेडिट। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, इफ इंश्योरेंस कंपनी रिमिटेड सम क्लेम। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने, हमने बीमा करवाया था, इंश्योर्ड करवाया था गुड्स को, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड सम क्लेम, वो मान गई वो हमें कुछ क्लेम देगी, हमारा नुकसान पूरा होगा, तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन करके कुछ क्लेम देगी इंश्योरेंस कंपनी हमारी, जितना वो क्लेम एडमिट कर लेती है, मान लेती है, उतने से हमारी डेटर बन गई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ तो माना कुछ नुकसान हो गया, जो लॉस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमारा लॉस हो गया, दैट इज अ लॉस। हमें पता है जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट, उसको डेबिट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये लॉस हो गया, टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट अकाउंट, ये बात ध्यान रखो, ये बात मैंने फिर बता रहा हूं आपको, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट भी करती है तो पहले हम डायरेक्ट ये एंट्री नहीं डालते, पहले यही एंट्री होती है जो मैंने नंबर वन पे बताई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, हमने क्लेम के लिए अप्लाई किया था कि इंश्योर्ड थी वो वस्तुएं, तब ये एंट्री, पहले फर्स्ट एंट्री ऐसे ही बढ़ेगी, सेकंड ये आती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो यहाँ फर्स्ट एंट्री में लॉस वाई फायर अकाउंट डेबिट था वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, तो ये अकाउंट तो हो गया क्लोज, एक लॉस हो गया बिजनेस को, एक इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने वाले बन गए। थर्ड पोजिशन देखें, वेन क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दे दिए तो क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है गिवर तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। क्लियर? ये तीन कंडीशन बन सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट फायर 50,000 की गुड्स डिस्ट्रॉय होगी, लॉस वाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मैंने बताया आपको ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड देखें,
गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट और फायर विद रुपीज। पेपर में कोई एक ही आएगा, क्वेश्चन जब करते हैं तो एक ही कारण होता है, ये नहीं कि दोनों दोनों लिखे होंगे, एक्सीडेंट होगा, इंश्योरेंस होगा, या कोई भी कारण। 50,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 20,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 20,000 का क्लेम एडमिट किया, माना कि 20,000 पे करेंगे, तो मैंने आपको जैसे एंट्री बताई थी क्या बनी, इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई 20,000 के साथ। ये लॉस हो गया क्योंकि 50 में से 20 मिल रहा है तो 30,000 का लॉस, लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। लॉस वाई फायर, क्योंकि पहले हम यही एंट्री डालेंगे, मैंने बार बार कह रहा हूं ट्रांजेक्शन ये है, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट बाय फायर और एनी केस 50,000, पहले हम ये फर्स्ट वाली एंट्री डालेंगे, फिर ये जब इंश्योरेंस क्लेम अगर एडमिट करता है तो सेकेंड एंट्री ये डालते हैं, ये पहले नंबर दो पे, ये थर्ड जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम वापस कर देती है, हमें कैश मिल जाता है तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी गिवर है तो क्रेडिट कैश बिजनेस में आ रहा है। क्लियर एग्जांपल। एक और बड़ी जल्दी हम लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, एम्बेजलमेंट कैश गुड्स। एम्बेजलमेंट कहता है धोखा, फ्रॉड। अगर बिजनेस में बिजनेस किसी एम्प्लाई ने बिजनेस में किसी ने धोखा कर दिया बिजनेस के साथ, वो धोखा कैश का भी हो सकता है, कोई वहां एम्प्लाई था उसने कैश का गबन कर दिया, दिस वन इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट, फ्रॉड। और गुड्स का भी हो सकता है, वो बिजनेस में गुड्स चोरी करके ले गया, कोई भी बिजनेस का मालिक हो सकता, पार्टनर थे उसमें से कुछ नुकसान हुआ, बिजनेस का कोई एम्प्लाई था उसने एम्बेजलमेंट कर दी, तो दो एंट्रीज हो सकती हैं इन केस ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की एम्बेजलमेंट हो रही है तो हमें पता है लॉस डेबिट होते हैं, लॉस बाय जैसे फायर था, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट। परचेज, क्योंकि गुड्स हमारी कम हो रही हैं तो परचेज अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, जैसे मैंने नॉर्मल लॉस में बताया, तो परचेज अकाउंट। अगर कैश चोरी हो गया भाई, किसी बिजनेस के एम्प्लाई ने कैश शॉर्ट हो रहा है तो उसको चोरी भी नहीं हुई, नहीं तो लॉस बाय थेफ्ट डालते, एम्बेजलमेंट है, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट है बेट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश तो बिजनेस से गया, कम हो गया, जब कैश आता है रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, अब तो ये कैश गया, अकाउंट को मेंटेन करना है तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। इसकी एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट जल्दी जल्दी, इन केस ऑफ गुड्स एम्बेजलमेंट की बात कर रहे हैं, जब गुड्स एम्बेजल्ड हुए, गुड्स का घोटाला हो गया हो, गुड्स वर्थ ₹4,500 स्टोलन फ्रॉम द स्टोर एज एम्बेजलमेंट, धोखे के रूप में उसमें से ₹4,500 की गुड्स एम्बेजल्ड कर दी, फ्रॉड कर दिया, लॉस वाई एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज को क्रेडिट करते हैं 4,500 के साथ। अगर कैश को एम्बेजल्ड किया, अगर कैश का घोटाला हुआ है, फ्रॉड हुआ है, कैश ₹3,000 फाउंड टू बी एम्बेजल्ड बाय एम्प्लॉई इन द ऑफिस, ऑफिस में एक एम्प्लॉई था, मन में बेईमान जागी, 3,000 जेब में डाले, बिजनेस के साथ धोखा हो गया, पकड़ा गया, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट, बिजनेस का तो नुकसान हो गया डेबिट, कैश बिजनेस से कम हो गया, बाहर जा रहा है कैश, चला गया, जा नहीं रहा, जा चुका है वो, गबन कर चुका है, नुकसान कर चुका है, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये भी हो सकता है कि उसी एम्प्लॉई ने दोनों बातें की हों, गुड्स भी ले गया और कैश, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड कर देंगे, लॉस वाई एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे परचेज हमने अकेली क्रेडिट की थी, अगर दोनों हो रहे हैं तो एक तो गुड्स ले गया, एक कैश गया बिजनेस में से, ये दोनों को मिला के टोटल लॉस कितना हो गया, 7,500। आई थिंक द कॉन्सेप्ट, दिस वन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब जल्दी से कुछ कंक्लूसिव एंट्री है, रिवीजन रिवीजन, जस्ट रिकैपिटुलेशन। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड ₹4,000 की गुड्स फ्लड से डिस्ट्रॉय होगी, यस, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज हमने क्रेडिट करनी है, ये कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर होगा पक्का। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹3,000 की गुड्स डिस्ट्रॉय होगी, पहले तो हमें एक बात ध्यान रखना, 3,000 की अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है, पहले तो हम वैसी एंट्री डालेंगे जैसे ये डाली थी, ये मैंने सेकंड डाली है एंट्री, जो दूसरा केस होता है, एंट्री क्या डालेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, जैसे ये डाली थी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम हमें चेक के साथ पेमेंट कर दी, लास्ट वन है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक रिसीवर है, इंश्योरेंस कंपनी गिवर है, 2,000 हमारे पास वो पैसे आ गए। क्लियर, ध्यान से शांत मन से सोचना एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में, वीडियो में बैक जाएं, इनको देखें, दीज आर द होल कॉन्सेप्ट विच वी हैव। यस स्टूडेंट्स, तो हमने आज की वीडियो में देखा सब कुछ, हमने जो बेसिकली एंट्रीज की उनको एक रिकैपिटुलेशन जस्ट इन ब्रीफ, वो क्या किया हमने कि बिजनेस में बैड डेट्स क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे है, अगर उसमें से कुछ मरे हुए पैसे वापस आ जाएं, बैड डेट्स रिकवर्ड का ट्रीटमेंट क्या होता है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बिजनेस में, जो
बहुत से कारणों के कारण हो। इसके अलावा हमने बात की आज के इस वीडियो में एम्बेजलमेंट जो फ्रॉड होते हैं उसकी ट्रीटमेंट बिजनेस की बुक्स में कैसे करते हैं। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। इफ यू हैव एनी कंसर्न गिव योर मैसेज इन द गिवन कमेंट बॉक्स अंडर दिस वीडियो। एक बात और ध्यान रखो, मैंने अब से एक से लेके लगातार ये 13 वीडियो पहले बनाई है, आज 14th वीडियो है विद 14 डिफरेंट एंट्रीज। तो 14 की इस गन को आसान बनाने के लिए अगर कहीं मुश्किल है तो पीछे के वीडियोस में जाओ, वहां पर जाकर लिंक को देखो, आपका रास्ता आसान बनेगा। बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।